रविदास जी की 640वीं जयंती प्रदेश भर में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर शिमला में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिमला के कृष्णानगर में भी रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की गई और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। गुरु रविदास ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए काफी प्रयास किया है। हर साल की तरह इस साल भी उनकी जयंती हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अमित नंदा भी मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अमित नंदा ने कहा कि आज एक बहुत बड़ा दिन है। महाराज रविदास जी के प्रकट उत्सव को पूरे देश और पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें कृष्णानगर आने का मौका मिला है, जिसके लिए वे सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे ढंग से भजनों का गुणगान करते हुए आज हमने महाराज की जयंती को कृष्णानगर में मनाया है। देखिए, आज एक बहुत बड़ा दिन है। गुरु महाराज रविदास जी का जो है आज प्रकट उत्सव है और इस उत्सव को पूरे देश में और पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज मुझे कृष्णनगर आने का निमंत्रण यहाँ के जो दो संस्थान हैं, जो रविदास महाराज के अनुयाय हैं और जो यहाँ पर दो मंदिर हैं, उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया था। आज हमने इस कार्यक्रम में शिरकत की और बहुत ही अच्छे ढंग से और भजनों का गुणगान करते हुए आज हमने गुरु महाराज की जयंती को कृष्णनगर में मनाया।